अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अकेली शेबीना के किचन में आपका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको हयाती तंदुरुस्ती दे। हम बना रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब। मैंने यहाँ लिया है 500 ग्राम मशीन का कीमा ले लिया है। ये देखिए 500 ग्राम मशीन का कीमा लिया है। 1 टेबल स्पून बेसन लिया है, 1 टी स्पून गर्म मसाला पाउडर लिया है, 1/2 टी स्पून हल्दी ली है, यहाँ थोड़ी सी कोथमीर ली है, यहाँ मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची चॉप कर ली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 टीस्पून में नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। यहाँ पे मैं सारे मसाले डाल दूंगी इसमें, कोथमीर, सारी मिर्चें ले रही हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसे मैं अभी अच्छे तरह से मिक्स कर लूँगी। वैसे तो मसाला होता है पपीता भी जाता है कच्चे कीमे कबाब में, पपीता है पीस के पड़ता है, ऐसे प्याज है पीस के पड़ता है, लेकिन मैं जो है मेरे घर में ऐसी पसंद है, मेरे शौहर को मेरे बच्चों को इसी तरह पसंद है, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। ये डायरेक्ट डाल के भी बहुत अच्छी बनती है कच्चे कीमे के कबाब, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो चलिए मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। मैंने कीमे में अच्छी तरह से मसाला मिक्स कर लिया है, अच्छे से मिक्स करके देखा मैंने, अब इसे रख दूँगी 10 मिनट में इसके लिए रख दूँगी कि थोड़ा मसाला कीमा पकड़ ले, मैं तो 10 मिनट रखूँगी। वैसे तो लहसुन डालने से भी कीमे बहुत सॉफ्ट बनता है कबाब, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, वाकई आप ट्राई कीजिए ज़रूर। तो चलिए मैं अभी इसको 10 मिनट के लिए रखती हूँ, फिर हम टिक्किया बनाएंगे। यहाँ मेरे 10 मिनट हो गए हैं, चलिए मैं टिक्किया बना रही हूँ। यहाँ मैंने कीमा लिया है, मैं बना लूँगी इसके टिक्किए। ये देखिए मेरी टिक्की बन गई है, मैं सारी टिक्की ऐसे बना लूँगी इसकी। अभी यहाँ मैंने टिक्की बना दिए हैं, मैंने फ्राई पैन रख दिया है, इसमें मैं ऑयल ग्रीस कर लूँगी, फ्राई पैन को खाली ग्रीस करना है। गरम हो गया है, मैं कबाब डाल रही हूँ। मैंने बड़ी बड़ी टिक्कियाँ बनाई हैं क्योंकि ये पकने के बाद में सिकुड़ जाता है। यहाँ मेरे कबाब हो रहे हैं, मैं हल्का हल्का तेल लगा रही हूँ कबाबों के ऊपर, एक्स्ट्रा नहीं लगा रही हूँ, जो मेरे फ्राई पैन पे जो ऑयल है मैं वो ही कबाबों पे ग्रीस कर रही हूँ। चलिए अभी टर्न कर लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे कबाब पे, ये देखिए। सारे कबाब टर्न कर दूंगी, ये देखिए कबाबों पे माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है। हमें स्लो फ्लेम पे ही पकाना है, फास्ट नहीं करना है, फास्ट कर देंगे तो हमारा कीमा अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो स्लो फ्लेम पे ही पकाना है और हल्का हल्का इसे प्रेस करना है। हल्का हल्का प्रेस करना है, 1 मिनट हमें टर्न करके अब पकाना है। ये देखिए अभी कच्चा है, अभी हुआ नहीं है, इसे टर्न करती हूँ, 1 मिनट तक के हमें अभी इसे पकाना है। कबाब रेडी है, मैं अभी इसे डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए हमारे कितने सॉफ्ट कबाब बने हैं, और देखिए एकदम पक गए हैं, अंदर से कीमा हमारा पक गया है, एकदम सॉफ्ट है हमारे कबाब। ये देखिए यहाँ मेरे कबाब रेडी है, मैंने डिश आउट कर लिया है। ये देखिए हमारे कबाब कच्चे कीमे के कबाब, बहुत ही देखो टेस्टी है, पकने में और खाने में भी बड़े खूबसूरत है, इसका कलर देखिए। यहाँ हमने चटनी बना ली है, यहाँ हमारा कांदा नींबू भी तैयार है, तो चलिए हम एंजॉय करते हैं इसे खाने खा के। आप भी एंजॉय करिए, हमारी वीडियो देखिए और अपने घर में भी ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।
दुआ में याद रखिए।